हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन मिनी टीवी पर आने वाली हैक क्राइम वेब सीरीज के बारे में। सबसे अच्छी जो खास बात मुझे लगी वेब सीरीज के अंदर, जो लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है और उसमें कोशिश भी की गई है, मतलब फेक जो चीज़ें हैं, जैसे कई बार होता है ना स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं या फेक जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस होता है, तो ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं है। उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं रियल लाइफ पर आधारित हैं और आपको वो काफ़ी हेल्प भी करने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स के बारे में। चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकें। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं क्राइम जो वेब सीरीज़ है उसके पहले ही एपिसोड के बारे में। एंड पहले एपिसोड में जो चीज़ें मुझे ज़बरदस्त लगी वो बहुत ही बेहतर है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं, कौन सी टेक्निक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और वो भी हम प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। आप जानेंगे वायसा के बारे में, MITM के बारे में, सैम फाइल्स के बारे में, क्लोन सर्वर्स क्या होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग क्या होती है, हनीपॉट्स क्या होते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं, वाईफाई अटैक्स, थर्ड पार्टी वेंडर्स, ईमेल स्पूफिंग, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एंड स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स के बाद इसमें, ये जो मतलब पहला एपिसोड है ना, आप सोचिए पहले एपिसोड में ही इतनी सारी चीजें दी गई हैं, तो ओवरऑल के अंदर कितनी सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज को, जो पहला एपिसोड है वो थोड़ा बड़ा है तो टू पार्ट्स में क्लियर अप हो पाएगा। शुरुआत में जैसे कि जो जो सीन आए हैं वो मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें बात करना है टेक्निक्स के बारे में, स्टोरी तो आपको देखने से ही पता चलेगी, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है वैसे। बाकी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं, मतलब लैपटॉप्स पे कोई कुछ रन कर रहा है और फिर हमें ये प्रोग्राम दिखाया जाता है। अब गाइस, अगर आप इस प्रोग्राम को देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वाईफाई से रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की गई है वाईफाई के लिए, ये जो टूल है, इस टूल का नाम है फर्न। आप देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं, ये ग्राफिकल बेस्ड है, काली लिनक्स के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगा और इसके अंदर यही टेक्निक है जो इसमें यूज़ करने की कोशिश की गई है। हालांकि उन्होंने टूल का नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टूल है जिसका इस्तेमाल किया गया है उस सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आप वाईफाई की जो कीज़ हैं उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। बट अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि यार मुझे भी इस तरह की चीज़ें जाननी है, ये किस तरह से काम करता है, तो पहला जो टूल था उसका नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, टूल का नाम है फर्न। दूसरा ये टूल है जिरिक्स। अब तीसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आप खुद भी अगर इस तरह का टूल बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं और कैसे जो ये चीज़ें हैं काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू शो यू गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टूल के बारे में। तो ये जो टूल है कैसे आप यूज कर सकते हो, ये जो टेक्निक है मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब लाइव है किस तरह से ये जो चीज़ें हैं परफॉर्म करते हैं, ये जो वर्किंग है वाईफाई से रिलेटेड कैसे काम करती है आप यहाँ भी देखेंगे, सिक्योर्ड करने के बारे में भी बताया गया। और तीसरा, बना कैसे सकते हैं, ये इस वीडियो में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बनाया कैसे जाता है वो जो टूल, अगर आपको पाइथन आती है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो होगा पहला जो सीन हमें दिखाया गया था उसमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, उसका प्रैक्टिकल क्या है वो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टॉपिक आता है जिसमें वो जो हैकर होता है वो क्या करता है, व्हाट्सएप मैसेजेस को भी कैप्चर कर लेता है। यहाँ कोई खास चीज़ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये पॉसिबल कैसे है। तो गाइज, उसका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका कारण है वायरशार्क। वायरशार्क एक ऐसा टूल होता है जो वास्तव में बनाया तो गया है पैकेट कैप्चरिंग और एनालाइज करने के लिए, यानी किसी भी नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या पैकेट सेंड और रिसीविंग हो रहे हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, हर चीज़ अच्छे से काम कर रही है, उस चीज़ को एनालाइज और टेस्ट करने के लिए बनाया गया। लेकिन अभी जो कुछ लोग हैं इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से ही कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कई बार जो हैकर लोग हैं वो इसका इस्तेमाल MITM यानी मैन इन द मिडिल अटैक जैसी प्रोसेस के लिए भी करते हैं। तो इस टूल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है, तो अगेन द सेम थिंग्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। इस टूल का भी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो मैंने पहले से बना के रखा है, ये टूल किस तरह से काम करता है और क्या क्या इसके यूजेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बंदा दिखाया गया है, मतलब इसी के जो फ़ोन है और इसके नेटवर्क को ही हैक करके वो जो हैकर है वो ऐसे काम को अंजाम देता है और उसके खाते से पैसे को ट्रांसफर कर लेता है। ये टेक्निक्स तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं, हालांकि वो भी होता है बट उन पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दे यू नो कि वो आउटसाइड की चीजें हो जाती हैं। दूसरा एक सीन में हम देखते हैं कि ओवरऑल वो बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया में इतना साइबर क्राइम हो गया है जिसमें से मात्र 0.1% ही केसेस जो है वो सॉल्व हो पाते हैं।
अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरा जो सीरीज है उसके अंदर मेन एक्ट्रेस अगर हम करें तो मेन एक्ट्रेस करोल इन्होंने ही प्ले किया है। और ये एक अपनी स्टोरी के दौरान बताती है कि इन्होंने सी कोडिंग सीखी, मतलब सबसे पहले सी सी प्लस प्लस वगैरह, और कोड्स के बाद इन्होंने इस क्रैकिंग पे ध्यान दिया। बाकी शुरुआत करने वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज में शुरुआत करने के लिए कोडिंग की जरूरत है, तो शुरुआत करने के लिए तो गाइस कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कोडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप बिगनिंग करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कैसे कैसे इस फील्ड में काम होता है, क्या क्या चीजें, तो उसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग्स जो है थोड़ी बहुत कोडिंग और चलाना भी आता होगा तो उससे आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट बनना है, टूल बनाना है, तो उस कंडीशन में आपको इसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट वन हम एक सीन में देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को समझा रहे होते हैं कि मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा मैन इन द मिडिल अटैक का प्रोसेस क्या होता है कि जनरली जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो काम करने के दौरान आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास, वो रिक्वेस्ट आपके पास डायरेक्टली, जैसे भी मान लो आपने लॉग इन किया या फिर आपने कोई रिक्वेस्ट, कोई चीज सर्च की, कोई वेबसाइट चलाई, एक तरह से रिक्वेस्ट सेंड करना ही होता है। मैन इन द मिडिल अटैक के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक नेटवर्क के बीच में आ जाता है और आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर लेता है। उस कंडीशन में सर्वर जो है वो सर्वर से जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उन्हें वो कैप्चर कर सकता है, तो ये कहलाता है मैन इन द मिडिल। और ये वायरसार्क की मदद से ज्यादातर लोग कई बार करते हैं। एक सीन में दिखाया गया हमें कि हैकाथन ऑर्गेनाइज की जाती है जिससे कि बेस्ट लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया जा सके। तो हैकाथन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो पूरी दुनिया भर में टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, या एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर हैं, तो हैकाथन टाइम टू टाइम देश के अलग अलग कोनों में या आउटर कंट्रीज में भी चलता रहता है। इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो टैलेंट को लेकर जाती हैं हैकाथन्स के अंदर। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया है, जो विनर्स होते हैं, उन्हें रिवॉर्ड और प्राइज मनी तो मिलता ही है, बदले में कंपनीज की तरफ से भी उन्हें अच्छे खासे ऑफर्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके कि अभी लेटेस्ट हैकाथन्स जो है वो कहाँ चल रहे हैं, और उनमें आप चाहें तो पार्टिसिपेट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इस हैकाथन के अंदर बताया जाता है कि उन्हें एक सर्वर दिया जाता है जिसका नाम सेल होता है, और उसको वही उनका टारगेट होता है कि भाई जो इस पर कंट्रोल बना लेगा उसे ही वो विनर चुनेंगे, और उसे 3 लाख रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी को 1-1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पे देखते हैं जो लड़की है, बाकी लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं और जो मेन एक्ट्रेस है इस पूरी वेब सीरीज के अंदर उसने अपना कोई काम स्टार्ट नहीं किया होता है, और वो जो टीम है उन पे नजर रखती है मतलब कैमराज के जरिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो स्टोरी तो आपको देखने से पता चलेगी, बाकी टूल्स के बारे में यहाँ देखो एक स्क्रिप्ट रन कोई कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल, और कुछ खास चीज़ें हमें साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हमें दिखाई दे रही है, सेम फाइल। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा सेम फाइल क्या होती है। गाइस सेम फाइल ऐसी फाइल्स होती हैं, मतलब उसका जो प्रॉपर कोड है आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं कि वो वास्तव में कोड क्या रहा होगा। तो सेम फाइल विंडोज़ के अंदर जो पासवर्ड आप स्टोर करते हो ना, वो पासवर्ड सेम फाइल के अंदर ही स्टोर होते हैं। अगर कोई उस फाइल को कैप्चर कर ले या कोई उस फाइल को ले ले, चुरा ले, कुछ भी कर ले मतलब, तो वो आपके आईडी पासवर्ड्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ये सेम फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करता है सीरीज के अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। सो गाइस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL, तो इसमें जो कई लोग होते हैं वो SQL इंजेक्शन ट्राई कर रहे होते हैं, हालांकि ये स्क्रीन दिखाई गई है, आप कह सकते हो स्क्रीन में कुछ खास चीज़ें तो है नहीं, ये एक तरह की फेक स्क्रीन आप इसे बोल सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे IP एक्सेस करके हमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसके बारे में भी कोई खास चीज़ें नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो नाम नहीं है। IP एक्सेस लुकअप्स तो आप वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे अदर टूल्स भी आते हैं। बाकी मैं इसे थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि अगर आप IP से रिलेटेड जानकारी निकालना चाहते हैं तो एक Nmap नाम का एक टूल होता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है नेटवर्क मैपर, और उसकी मदद से आप IP से रिलेटेड, किसी भी IP से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो Nmap का वीडियो जो है ये क्या है और कैसे टॉपिक्स काम करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये Nmap मैंने आपको बता ही दिया है कि नेटवर्क के अंदर कौन सी सर्विसेज वगैरह रन कर रही हैं, ये Nmap से ही पता लगाते हैं, कौन सी पोर्ट काम कर रही है, प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में एक बार दिखाया गया है कि जो एक लड़का होता है वो सभी के PCs को अपने कंट्रोल में ले लेता है एक तरह से, ताकि कोई उस पर काम ना कर पाए और वो खुद से काम करे, और वो ट्राई कर रहा होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग ट्राई कर रहा होता है, और ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्शन इन प्रोसेस, यानी कि वो SQL इंजेक्शन ट्राई कर रहा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा SQL इंजेक्शन वास्तव में होता क्या है।
गाइज वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है वो एसक्यूएल नाम की कोडिंग की मदद से सिक्योर रहता है। मतलब डेटाबेस का मतलब है ज़्यादातर यूजर्स की जो डिटेल है, यूजर आईडी, पासवर्ड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर स्टोर रहती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस डेटाबेस के अंदर कोई कमी ढूंढ ले, एसक्यूएल की कोई कमी ढूंढ ले, तो उस कंडीशन में वो यूजर्स की पूरी जो जानकारी है, चाहे वो आईडीज हो, चाहे उनके पासवर्ड्स हो, कुछ भी हो, वो सारी जानकारी जो है वो कलेक्ट कर सकता है। तो ये लड़का वही जो एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है वो अटैक, तो उसका वो ट्राई कर रहा होता है कहीं उसे आईडी पासवर्ड तो ना मिल जाए। ठीक है, एसक्यूएल के बारे में डिटेल्ड अगर आप जानना चाहते हैं सो देयर इज अ वीडियो, आप इस वीडियो से जान सकते हैं। पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया है क्या है, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, कैसे आप इस तरह की वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में जान सकते हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं चीज़ें। दूसरा, एक जगह पे हम देखते हैं कि वो फायरवॉल को ब्रेक कर लेता है। फायरवॉल देखिए गाइस क्या होता है, सभी के कंप्यूटर में फायरवॉल एक तरह से आप उसे बोल दीजिए कि जितना भी आपके नेटवर्क के अंदर डेटा फ्लो होता है, आना या जाना होता है, उस पर नज़र रखने का काम जो है फायरवॉल करती है। अगर उसे कोई भी मलिशियस चीज़ लगती है, सस्पिशियस लगती है, तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। ये फायरवॉल का मेन काम होता है। तो अगर यहाँ पे दिखाया गया कि भाई फायरवॉल को उसने हटा दिया है, ब्रीच कर लिया है, दैट मींस वो उसे बाईपास करके अंदर घुस चुका है उसमें। अच्छा, यहाँ पे एक एट द एंड वो एक और बात होती है जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई इस तरह से तो तुम खुद ही इन्हें निमंत्रण दे रहे हो कि भाई इसके सर्वर को हैक कर लो, ये तो गलत चीज होगी, तो इसका कोई रिस्क तो नहीं है। तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइज करने वाला होता है कॉम्पिटिशन, वो बताता है कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो जस्ट एज अ क्लोन जो सर्वर है उसका इस्तेमाल किया है, और दूसरा हनीपॉट्स हमने लगा रखे हैं। हनीपॉट्स में आपको यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हनीपॉट एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब एक्चुअल सर्वर की तरह या एक्चुअल डिवाइस की तरह आपको दिखेगा वास्तव में, बट होता नहीं है। दैट मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको कोई एक आईपी एड्रेस मिल गया लेकिन वो ओरिजिनल सर्वर से कनेक्टेड नहीं होगा, उस आईपी से लगेगा तो ऐसे ही कि जैसे उसी सिस्टम का है, बट वो होगा नहीं। और उसका मेन मकसद होता है हैकर्स को पकड़ना। ठीक है, हैकर्स को पकड़ना क्यों? क्योंकि जब भी वो जाएंगे और आपको ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें हनीपॉट वाला जो आईपी मिलेगा वो समझेंगे ये ओरिजिनल है, तो बदले में उनकी आईपी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और वो ओरिजिनल सर्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जैसा कि आप यहां से थोड़ा आइडिया लगा रहे। तो हनीपॉट्स ज्यादातर हैकर्स को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या उन्हें डिस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, मैं यहां आपको थोड़ा दिखा रहा हूं, जैसे एक शब्द आया था इसमें क्लोन सर्वर, तो क्या ये होता है, क्या है क्लोन सर्वर? गाइस क्लोन सर्वर का मतलब होता है कि जैसे कि आपका ओरिजिनल सर्वर है उसी की तरह का हूबहू दिखने वाला एक क्लोन तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने तीन स्टेप दिखाए हैं, विंडोज़ के अंदर ये चीज़ कैसे काम करती है, दूसरा आप क्लाउड के अंदर ये चीज़ कैसे काम करती है, और तीसरा लिनक्स से आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आरसिम करके यहाँ पे एक टूल है, उसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आरसिंक की मदद से ऐसा किया जा सकता है। दूसरा क्लाउड के अंदर देखिए एक्सन के अंदर क्लोन नाम का बटन आता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और विंडोज़ जो सर्वर, अगर आप विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी क्लोन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आती है, ताकि ओरिजिनल सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील ना हो। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एपिसोड 1 के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रह जाती हैं जो सीखना बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।